नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूँ सरफराज आलम। जिले वासियों के लिए खुशखबरी की खबर है। आप हर एक घरों में प्रीपेड मीटर लगने जा रहा है, जिसका विधिवत उद्घाटन आज किया गया है। सहरसा जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सहरसा समरणालय में इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। पहले वो तमाम तस्वीरें आप देखिए, जहाँ प्रीपेड मीटर का शुभारंभ किया जा रहा है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा मौजूद है और उनके द्वारा जो है शुभारंभ किया गया है। तमाम बिजली विभाग के अधिकारी इस उद्घाटन समारोह में मौजूद है। आपको बता दें कि रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद जो है घरों में जो है अंधेरा छा जाएगा, ऐसे में उनको अब रिचार्ज करना होगा। प्रीपेड मीटर लगने जा रहा है जिले में। तीन महीने के अंतराल में जो है सभी के घरों में जो है प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की शुल्क जो है मीटर में नहीं लगाई जाएगी और आपको घरों में जो है बिजली विभाग के कर्मी आकर जो है प्रीपेड मीटर लगाएंगे, तो कई तरह के लाभ इस प्रीपेड मीटर से होने वाला है। जो रीडिंग की समस्या थी, अत्यधिक बिल आ जाने से जो लोग उपभोक्ता परेशान थे, वो सभी समस्या को देखते हुए बिजली विभाग कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट के अनुसार जो है यह कार्य किया गया है और इस परेशानी को, उपभोक्ताओं की परेशानी को जो है दूर की गई है। तो कहीं ना कहीं जो ज़िलेवासी हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी की खबर है और सभी के घरों में अब जल्द ही प्रीपेड मीटर लगने जा रहा है। पहले सहरसा जिलाधिकारी आनंद शर्मा क्या कुछ कहते हैं, पहले उनकी बात सुनिए। जी, आज सहरसा के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम लोग एक पूरी प्रणाली को बदलने जा रहे हैं। लगातार ये जानकारी प्राप्त होती रहती है, शिकायत प्राप्त होती रहती है कि हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, एरियर आ रहा है, एक साथ बड़ा बिल आ जा रहा है जिसको हमको देने में समस्या हो रही है। इस पूरे समस्या को जड़ से समाधान करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम लेके आया गया है। ऊर्जा विभाग इसके प्रति पूरी तरह से जिला प्रशासन के साथ प्रतिबद्ध है। हम लोग लगभग 56,108 मीटर सभी नगर निकायों में, चाहे सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, बनगांव, सौर बाजार, सोनबरसा और नौहट्टा, सभी में 56,108 स्मार्ट मीटर लगाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाने की वजह से जो आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा इसमें, वो ये है कि हम लोग गलत मीटर रीडिंग की वजह से गलत बिल बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। कई महीनों का एकमुश्त राशि का बिल आने की संभावना खत्म होगी। माह के दौरान खपत के आधार पर उपभोक्ता सुविधा अनुसार कई बार रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें औसत बिल से छुटकारा एवं दैनिक खपत के आधार पर प्रतिदिन राशि की कटौती होगी और ऐप के माध्यम से दैनिक कटौती और ऊर्जा खपत की जानकारी आपको सीधे ऐप पे प्राप्त हो जाएगी। रिचार्ज हेतु सभी माध्यम इसमें अवेलेबल हैं, जिस भी माध्यम से आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं और आपको जितनी बिजली की आवश्यकता आप उतने का ही रिचार्ज करिए, जैसे आप मोबाइल का टॉपअप करते हैं। इस पूरे कार्य को जो है SBPDCL और NBPDCL द्वारा चयनित एजेंसी EESL और EDF द्वारा किया जाएगा और यह पूरा कार्य का टारगेट हम लोग ने 3 माह का दिया है कि 3 महीने में हम इस पूरे कार्य को कंप्लीट कर लें ताकि पब्लिक को जल्द से जल्द इसकी सुविधा मुहैया हो सके और जो लोगों का पुराना एरियर का बकाया है उसके लिए भी ये सुविधा लाई गई है कि वो 300 दिन की इक्वल किस्त में उस राशि का भुगतान कर सकते हैं। अगर उदाहरण स्वरूप हम ले कि किसी का 3,000 का एरियर है तो 300 दिन के हिसाब से 10 रुपया पर डे का वो उनको 300 किस्तों में अपना भुगतान पूर्ण कर सकते हैं ऑनलाइन डायरेक्ट। तो ये भी जो है सुविधा इसके अंतर इनबिल्ट रहेगी। इसलिए सभी सहरसा वासियों को, पूरे जिला का मेरा अनुरोध है कि जैसे टीम आपके यहां आती है आप जल्द से जल्द पूरे सहयोग के साथ इस कार्य को समापन कराएं और हम और आप मिलके पूरे सहरसा जिले को एक स्मार्ट सिस्टम में लेके जाएं। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ जिलाधिकारी आनंद शर्मा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि सभी लोग इसका सहयोग जरूर करें, तो कहीं ना कहीं प्रीपेड मीटर लगने के बाद लोगों को कई तरह की सुविधा मिलने वाली है। जो परेशानियां लोगों को हो रही थी बिजली बिल को लेकर और रीडिंग की समस्या जो लोगों को हो रही थी, उपभोक्ताओं को जो समस्या हो रही थी, उन समस्याओं को दूर किया गया है और अब प्रीपेड मीटर लगाया गया है। आपको अब आप
अपने ही मोबाइल से जो है रिचार्ज कर सकते हैं, और इस रिचार्ज के बाद जो है आपके घरों में बिजली कटेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपको बता दें कि रिचार्ज अगर रात्रि में आपकी ख़त्म होती है तो रात के 9 बजे से लेकर सुबह अगले दिन 10 बजे तक आपके घरों की बिजली नहीं काटी जाएगी, जब तक आप रिचार्ज नहीं करते हैं। तो अगले दिन आपकी रिचार्ज होने के बाद जो है आप लाइन का जो है फ़ायदा ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं बिजली विभाग की ये पहल से लोगों को अब कई तरह की फ़ायदे मिलने वाली है।